24 घंटे में उड़ीसा के एक ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट से एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा वर्षा गंजम में धाराकोटे में 68 मिलीमीटर जो कि एक जगह हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है। अभी बात करते हैं सीनियर वेदर सिस्टम की, तो अभी जो बात करें तो अभी नॉर्थ साउथ म्यांमार और उसके नेबरहुड पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है फॉर्म हो चुकी है, जो कि समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जा रही है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव की वजह से 19 तारीख के आसपास एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने की संभावना है। तो दूसरा सिस्टम मानसून ट्रफ है जो कि आज हमारे उड़ीसा के नॉर्थ हिस्सों पर बारिश करेगा। और बात करें डे वन में, यानी कि आज के दिन नॉर्थ उड़ीसा के नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा, ढेंकनाल, केंद्रा, मयूरभंज, अनुगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, इन जिलों में अनेक स्थानों पर ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज होगी और बाकी स्थानों पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे टू और थ्री 18 से 20 तारीख 18-19 तारीख को ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है जो कि लो प्रेशर एरिया सिस्टम के प्रभाव के कारण। और इस तरह 20 तारीख को कोस्टल उड़ीसा में अनेक स्थानों पर और इंटीरियर उड़ीसा में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे फाइव में इंटीरियर उड़ीसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे वन में सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, केवंझर, अनुगुल, ढेंकनाल, जाजपुर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, कटक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी में आइसोलेटेड प्लेसेस पे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की ये येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार डे टू में बारगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकनाल, कटक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजम, गजपति, कंधमाल और कालाहांडी जिलों में एक दो स्थानों पर हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है 18 तारीख को। इसे डे थ्री को लो प्रेशर सिस्टम लो प्रेशर एरिया की वजह से हमारे पास जहाँ पे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, संबलपुर, बारगढ़, सोनपुर, बुलांगीर, बोध, अनुगुल, देवगढ़, कंधमाल, कालाहांडी, ढेंकनाल, जाजपुर, कटक, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। आइसोलेटेड प्लेसेस पे उसके लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है, बाकी जगहों पर येलो वार्निंग दी गई है हैवी रेनफॉल होने की। इस बार डे फोर में भी हमारे पास 8 जगह पर सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बारगढ़, सोनपुर, बुलांगीर, नौपाड़ा, कालाहांडी में ऑरेंज वार्निंग दी गई हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की आइसोलेटेड प्लेसेस पे। उसके अलावा कुछ जगहों पर केवंझर, देवगढ़, ढेंकनाल, अनुगुल, बोध, कंधमाल, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी में हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेस होने के लिए येलो वार्निंग दी गई। शक्ति सकाळर आरंभ भक्त आउ भक्तिर मापकाठी गुप्त गंगा अगरबत्ती प्रति घरर प्रिय अगरबत्ती।